अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ चिकन कोफ्ता करी, जो मैंने बनाया है बहुत दिनों बाद। मतलब ज़्यादातर तो नहीं बना पाती, हाँ जब कुछ डिमांड होता है मेरे हस्बैंड का तब मैं बनाती हूँ। और ये मैंने बहुत ही अच्छा बनाया था, टेस्टी बनाया था। मैं हम लोग रात में मतलब इसके साथ सैलेड रखा, चावल, और ज़्यादातर कोफ्ता करी चिकन का चावल के साथ ही अच्छा लगता है। आप या तो ज़ीरा राइस भी बना सकते हैं, तो सिंपल प्लेन चावल। और ये मैंने थोड़ा सा ये बनाने के बाद मैंने इसकी वीडियो ली थी, आप देख सकते हैं। और इसकी ग्रेवी अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ कितना पानी है, ऐसा नहीं। इसकी ग्रेवी थिकनेस ही गरम गरम, इसलिए इसकी थिकनेस सही थी, नॉर्मल थी चावल में खाने लायक। और जब भी आप चिकन का अगर कोफ्ता बनाएंगे तो बोनलेस पीस ले लें, जिसमें हड्डी बिल्कुल ना हो, और छोटा छोटा खुद से काट लें, या तो फिर जहाँ से ले रहे हैं वहाँ से कटवा लें। उसके बाद आप उसको, यहाँ पर मैंने टेस्ट किया था जब बन गया था, मुझसे रहा नहीं गया था। ये बनाने का प्रोसेस है, इसमें आप एक पोट लहसुन लिया, मेरा 250 ग्राम चिकन था, देख सकते हैं, और लहसुन एक पोट लिया था, 3-4 हरी मिर्च, थोड़ा आधा एक इंच कह सकते हैं अदरक, अगर आपको अदरक से कोई परहेज है तो कम डालें, पर अदरक लहसुन तो पड़ेगा, हरी मिर्च है, और एक छोटी इलायची, एक थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा डाला है मैंने, ताकि उसमें चिकन में स्मेल ना आए और गर्म मसाला थोड़ा पड़ता है। इसमें मैं डाल के इसे मैं पीस दूँगी मिक्सर में, जो भी मैंने दिखाया आपको, इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च दालचीनी का थोड़ा टुकड़ा और हरी ये एक छोटी इलायची। और इसमें आप देखिए, इसको पीसने के बाद ये हमारा ऐसा हो गया। इसमें 2-3 चम्मच अपने अकॉर्डिंग आप बेसन डालें। बेसन डालने से ये हो जाता है कि ये आपका फटेगा नहीं, और ये थोड़ा सा चिकनाहट आ जाता है कोफ्ता में। और इसमें हल्दी मैंने डाला है, हल्दी कम, 1/2 टीस्पून, और कश्मीरी लाल मिर्च और मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं 2-3 चम्मच, ताकि इसे अच्छे से ये कर सकें। और इसमें फिर धनिया पत्ती अच्छे से काट के, हरी मिर्च 2 मैंने इसमें डाल दिया है। इस थोड़ा सा ये बहुत लोग तीखा इसे थोड़ा सा खाते हैं नॉर्मल, ताकि नॉनवेज में थोड़ा सा तीखा चलता है, तो मैंने इसमें 2 हरी मिर्च छोटा छोटा काट के डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिला करके मैं इसे कोफ्ता बनाऊँगी, गोल गोल इसकी गोली बना लूँगी। अब देख सकते हैं, देखिए मिलने के बाद ऐसा हो गया ये। इसके बाद आप इसको अच्छे से गोल गोल बना लें अपने साइज़ के हिसाब से, जितना मैंने मीडियम साइज़ रखा, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। और ये बहुत ही अच्छा से ये हमारा, मतलब मैंने 12 पीस तैयार कर लिया था बना करके, 2-3 आदमी में इतना इनफ है, और ज़्यादा मतलब अब देख सकते हैं कि देखिए इतना बड़ा पीस मैंने रख लिया है, 12 पीस है हमारा। अब इसे मैं नॉर्मल कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल के, तेल डाल के मैं इसे डायरेक्ट इसे फ्राई करूँगी, ताकि ये पक जाए, कच्चा ना रहे। डायरेक्ट मसाले में डालने से ये हो जाएगा कि इसमें स्मेल, जो खुशबू होती है ना, वो अच्छी सी नहीं आएगी, बिसाइन बिसाइन या अलग सा हो जाएगा इसके। इसलिए यहाँ पे पका करके ही बस ज़रूर इसको तेल में फ्राई कर लें, 10-15-20 मिनट में हो जाता है। उसके बाद ये मसाला जिसमें मेरा सब कुछ पीसा हुआ है, अदरक गुलकी जीरा लहसुन सब कुछ है उसमें, जो मैंने सब मिला के एक साथ रख देती हूँ, जो हमेशा मैं बना के रखती हूँ मसाला, जैसे चिकन का रहता है ना, उसमें सारा कुछ मसाला में पीसा हुआ है। धनिया वाने धनिया भी डालना है इसकी ग्रेवी में, धनिया मस्ट है 2 चम्मच धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट है उसमें, और गोलगी जीरा भी सब कुछ मिला हुआ उस मसाले में, और 2 प्याज है मीडियम साइज़ का, 2 हरी मिर्च है। अब यहाँ पे मेरा कोफ्ता फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है। उसके बाद उस तेल में मैं थोड़ा सा 1-2 तेज़पत्ता डाला है, 1 छोटी इलायची और ज़ीरा का तड़का डाला है। उसके बाद इसको डालने के बाद अब इसमें प्याज डालेंगे, जो मैंने प्याज काट के रखा था, प्याज और हरी मिर्च। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप हरी मिर्च नहीं डालें, ज़्यादा अच्छा है, मगर आप डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें नॉर्मल हल्का सा तीखा चल जाता है, मैनेज हो जाता है। और यहाँ पर मैंने प्याज को हल्का शैलो फ्राई करके इसमें मैं मसाला फ्राई करूँगी। देखिए हमारा प्याज हल्का सा थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं इस टाइम ही मसाला डालने का, ज़्यादा ब्राउन करके नहीं डालने, वरना वो जला जला लगेगा। और ये मसाला मेरा सब कुछ मिला हुआ है, जो मैंने बता दिया इसमें सब कुछ है, गरम मसाला, धनिया है, गुलकी जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट है, प्याज आप इसमें चाहें तो पीस के साथ डाल सकते हैं, मगर कोफ्ते में प्याज मत डालिएगा, वो थोड़ा पानी पानी एसिड होता है, मतलब प्याज पानी छोड़ देता है ना, इसलिए कोफ्ते में पीस के नहीं डालना है, बस इसकी ग्रेवी में डालना है मसाले में। और ये मसाला हमारा भुना रहा है। यहाँ पर मैंने एक टमाटर भी डाला था, मीडियम साइज़ का टमाटर था, तो अच्छे से पक जाए। और टमाटर डालने में थोड़ा सा नमक डाल के, हल्का सा पानी डाल के धीमे आँच पर सिम कर दें लो फ्लेम पर, ताकि वो टमाटर गल जाए। टमाटर को गलने में थोड़ा सा टाइम चाहिए, 5 मिनट लग जाता है, इसलिए इसे धीमे आंच पर रख के मैंने टमाटर को भी गला लिया है। हमारा टमाटर भी गल चुका था, देख सकते हैं। उसके बाद मैंने कोफ्ता करी है, तो आलू डालना तो बहुत मस्त है, तो मैंने आलू को कुकर में बॉईल कर लिया था, और आलू मैंने ज़्यादा नहीं, 3 आलू रखा था मीडियम साइज़ का, और इसके बड़े बड़े फाँक कर लिए थे। उस आलू को मैं इस मसाले में डाल करके फ्राई करूँगी। आलू का अलग से तेल में फ्राई नहीं किया, क्योंकि सारा मसाला को सोख कर लेगा, इसलिए मैंने आलू को फ्राई नहीं किया था। और आलू को मैं इसमें मसाले में हल्का भून लूँगी, उसके बाद मैं
दो तीन मिनट बाद कोफ्ता को डालूँगी। अब देख सकते हैं मैंने आलू को अच्छे से ग्रेवी में अच्छे से भून लिया है, फ्राई कर रही हूँ और इसमें देखिए तेल भी छोड़ रहा अच्छे से। इसका मसाला का टेस्ट बहुत अच्छा आया है और बहुत ही खुशबू आ रहा था। मैंने कल बहुत शौक से बनाया था, बहुत अच्छा बना था, मेरे हस्बैंड को भी पसंद आया। और इसे आप चावल में ही खाएं या रोटी में आपको खाने का मन है रोटी में, पर मुझे चावल ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इसे खा सकते हैं जीरा राइस के साथ या तो प्लेन चावल के साथ। और हाँ, ये मतलब ये कि आपको घर का जो टेस्ट होता है ना बाहर में बहुत फ़र्क होता है। घर में आप जैसे बनाना बनाएं, और मैंने कुकर में इसलिए डाल रही हूँ ताकि कुकर में जल्दी से ये सीटी एक दो सीटी में अच्छे से आराम से हो जाएगा, इसलिए मैंने कुकर में इसे पकाया। और देखिए कुकर मैंने दो सीटी लगा करके मैं इसे पैक कर मैंने ग्रेवी डाल दिया है। और ये मेरा हमारा तैयार है चिकन का कोफ्ता करी। ये मैंने ज़ारा को दे रही हूँ क्योंकि मैं कुछ बनाती हूँ कुछ नॉनवेज वगैरह, तो मैं ज़ारा को हमेशा सोचती हूँ कि मैं इसे अपने से ही दूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मुझे खाना खिलाना बहुत पसंद है और मैं इसे मानती भी हूँ, तो इसलिए भी मैं इसे सोचती कि मैं इसे मतलब हराम ना करूँ। और आप मेरी रेसिपी को शेयर करिए। थैंक यू।